इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जुड़ी, जहां पर जयपुर के श्यामनगर इलाके में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की और सुखदेव सिंह के सीने और सर पर गोली मारी है। साथ ही निजी सुरक्षा कर्मियों का भी घायल हो चुके हैं। मेट्रो मास अस्पताल में डॉक्टरों ने गोगामणि को मृत घोषित कर दिया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गोगामणि और श्यामनगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। साथ ही इससे पहले साल भर पहले भी धमकी मिली थी मारने की और सुरक्षा की जो है मांग भी की थी गोगामणि ने, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी गई, लापरवाही बरती गई। कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जो है सुरक्षा में चूक देखने को मिल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर से श्यामनगर इलाके में सुखदेव सिंह गोगामणि जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं, सुरक्षा में चूक नजर आ रही है। सुखदेव सिंह गोगामणि की गोली मारकर हत्या का पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी, सीने और सर में गोली लगी और डॉक्टरों ने उनको मेट्रो मास अस्पताल में मृत घोषित कर दिया।